सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन, शहरों में लोग आते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, बढ़िया एजुकेशन और एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, लेकिन इन सभी का एक साइड इफेक्ट भी है और वो हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से हम अपनी प्रकृति से टूट से गए हैं, पिछड़ से गए हैं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। प्रदूषण, ट्रैफिक जैम्स, उनका शोर और झुंझलाहट, जहां देखो कंक्रीट, स्टील और ग्लास की दीवारें हैं, थका देने वाली दिनचर्या, सुबह उठकर ऑफिस की भाग दौड़, वही ट्रैफिक, वही शोर, लैपटॉप पर मेल का जवाब, पामटॉप पर पीपीटी की तैयारी और मोबाइल पर बातें, इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग और अंत में कोई भी काम सर्वोत्तम नहीं। यही कारण भी है फ्रस्ट्रेशन का, देर रात या तो काम करते हैं या नींद ही नहीं आती, मिलता है और तनाव। हम प्रकृति का ही एक हिस्सा है दोस्तों, और प्रकृति हमारा एक हिस्सा है, हम अलग रह ही नहीं सकते, लेकिन शहरी जिंदगी हमें प्रकृति से दूर रख रही है। और इसलिए एक स्टडी ने पाया है कि अगर हम अपने घरों के अंदर प्लांट्स लगाएं, प्रकृति के पास रहें, आउटडोर को अगर इंडोर करें, तो हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। हमें न केवल शुद्ध हवा मिलती है बल्कि हमारा मानसिक संतुलन भी इससे बहुत अच्छा होता है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर भी कम होता है और हम बहुत ही काम और सीरीन महसूस करते हैं। ये आसमां, ये धरती और समुद्र हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारी सोच का दायरा भी हो सकता है ऐसे भी और खुला हुआ। थोड़ा ठहर कर सोचे क्या कर रहे हैं, क्या किया है अब तक और क्या करना चाहते हैं। ए टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन लाइफ। प्रकृति कोई भाग दौड़ नहीं करती, सब कुछ होता है आराम से, इन ए रिलैक्स्ड मैनर। साफ नीला आसमान, हरे पेड़ पौधे, स्वच्छ हवा हमें प्रेरित करती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के। एक प्यारा एहसास है पौधा लगाना और इसे आजकल की जनरेशन यानी मिलेनियल्स प्लांट पेरेंटिंग कहती है। भागदौड़ की अर्बन लाइफ में प्रकृति हमें इंस्पायर करती है स्लो लिविंग के लिए। जो भी करें आराम से करें, ठहर कर करें और इन्वॉल्व होकर करें, शामिल होकर करें, और शायद इसी को लिविंग इन द मोमेंट या माइंडफुलनेस कहते हैं। आज में जीना, अभी में जीना, प्रकृति के साथ जुड़ाव कितना तरोताजा कर देने वाला है एहसास है। ।2018 में बना अमेरिका के सीटल में ये अमेज़न का हेडक्वार्टर है दोस्तों, है ना खूबसूरत और कमाल का। ये इसलिए है ताकि अमेज़न स्टाफ यहाँ पर सोच और कर सके कुछ अलग। तभी यहाँ चार मंजिला लिविंग वॉल्स हैं, ट्री हाउसेस, मीटिंग रूम्स हैं, नदी और वाटरफॉल्स भी है ना कमाल का। आज से 15-20 साल पहले ऐसे ऑफिस की कल्पना शायद नहीं हो सकती थी, भला ऐसे ऑफिस में काम कौन नहीं करना चाहेगा। एक रिसर्च में ये पाया गया दोस्तों कि जो ऑफिसेस इनकॉर्पोरेट करते हैं फ्लावर्स और प्लांट्स को अपने इंटीरियर्स में, वहाँ के एम्प्लॉई आइडिया जनरेशन में और ओरिजिनल सॉल्यूशन ढूंढने में किसी भी प्रॉब्लम का बहुत हद तक सक्षम होते हैं।
ये ग्रीन एनवायरनमेंट एनकरेज करता है फोकस और इन्वेंटिवनेस को। शहर की भागदौड़ की जिंदगी में नेचर के साथ रिकनेक्ट करने की हमारी जो इनहेरेंट इच्छा है दोस्तों, उसी की वजह है कि आज इंडोर प्लांट्स हमारे घर के हर कोने में है। वो चाहे लिविंग एरिया हो, बेडरूम हो, किचन हो, या हमारा बाथरूम ही क्यों ना हो। वैसे तो कट फ्लावर और आर्टिफिशियल प्लांट्स हमेशा डेकोरेशन का हिस्सा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, लेकिन अब होटल्स और रेस्टोरेंट्स रिटर्न टू नेचर ट्रेंड पर चल पड़े हैं और अब वो लाइव प्लांट्स, लाइव ट्रीज और लाइव ग्रीन वॉल्स का यूज कर रहे हैं एक यूनिक एक्सपीरियंस देने के लिए अपने गेस्ट्स को। अपने स्पेस का बहुत सारा हिस्सा हो, चाहे रूफ पर हो या बैकयार्ड में हो, अपनी सब्जी और अपने खाने के सभी पदार्थ वो वहीं पर उगा रहे हैं और अपने कस्टमर्स को वो वहीं से फूड सर्व कर रहे हैं। तो कितना बेहतरीन ये ट्रेंड है नेचर से फिर से कनेक्ट करने का, रिकनेक्टिंग विद नेचर की जो डिज़ायर हमारे अंदर है वो किस तरीके से रिटेल बिजनेस में भी आ गई है। दोस्तों ये एप्पल का स्टोर है सामने जो लंदन में है और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पर लगाए गए हैं और चारों तरफ बैठने के लिए प्लेटफॉर्म है ताकि कंज्यूमर यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी पिक्चर में अगर हम देखें कि ये एक शू रिटेल आउटलेट है, लेकिन जो बैकग्राउंड है, जो बैक में वॉल है, वो पूरी तरीके से ग्रीन है। और ये क्वीन मामा मार्केट सियोल में एक स्टोर है, देखिए किस तरीके से गारमेंट्स का डिस्प्ले उन्होंने ग्रीन प्लांट्स के साथ किया है और कितना खूबसूरत और कितना यूनिक एक्सपीरियंस ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने कस्टमर्स को दें। इन बिल्डिंगों को देखकर दोस्तों ये तो एहसास हो जाता है कि आजकल किस तरीके से आर्किटेक्ट्स इंडोर और आउटडोर को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बालकनी में ग्रीन एरिया है, छतों पर गार्डन्स बनाए गए हैं और बाहर की जो दीवारें हैं उन पर ग्रीन वॉल्स क्रिएट की गई हैं। है ना खूबसूरत। बायोफिलिया ट्रेंड जिसमें नेचर को इंडोर लाया जा रहा है, ये सीमित नहीं है केवल होटल, रेस्टोरेंट या फिर हमारे घरों तक। इसका असर अब पब्लिक प्लेसेस में भी नज़र आ रहा है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट हो, मैड्रिड में एक रेलवे स्टेशन हो जहाँ रेलवे स्टेशन के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है, या शॉपिंग मॉल्स हो, अब इस ट्रेंड का फैलाव हर जगह है। दोस्तों जितनी रिसर्च इस सब्जेक्ट में मैंने की है और उसने मुझे इंस्पायर किया है कि मैं अपने घर पर इन प्यारे प्यारे पौधों को लेकर जाऊं और सजाऊं उनसे अपने घर को। अगर ऐसा ही आपको भी महसूस होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। अगर कोई अच्छी इमेज, अगर कोई पिक्चर पौधों के साथ अपनी अगर भेज सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने घरों में इंडोर पौधों को स्टाइल किया जाए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एक मिनट, एक ज़रूरी बात, प्लीज़ अपने लोकल बिजनेस को सपोर्ट करें, अपना पैसा लोकल इकोनॉमी में लगाएं। याद रखें, मॉल्स में बड़ी बड़ी ब्रांड्स का सामान खरीद हम अमीर लोगों को और अमीर कर रहे हैं। हमें अब्दुल जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करना चाहिए। वो अमीर तो नहीं होना चाहते, बस अपना परिवार पालना चाहते हैं। थैंक यू।